नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। G20 के लिए कल राष्ट्रपति की तरफ से इनविटेशन आया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का जिक्र किया गया। बस फिर क्या था, इसके बाद से लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि देश का नाम बदल जाएगा। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ भारत का ही जिक्र नहीं किया गया, बल्कि आसियान इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के जो बुकलेट जारी की गई, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के नाम से संबोधित किया गया। यहां तक कि G20 समिट की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों के आई कार्ड में भारत ऑफिशियल लिखा गया। और इसके बाद आज फिर से ऐसी अटकलें जोर शोर से लगाई जा रही हैं कि 18 सितंबर से संसद का जो विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें देश का सिर्फ एक नाम यानी भारत करने पर फैसला लिया जा सकता है। अच्छा, आपको बता दूं कि 18 सितंबर तारीख का अपना महत्व है। दरअसल 18 सितंबर वो तारीख है जब 74 साल पहले सन 1949 में संविधान सभा में देश के नाम को लेकर जोरदार बहस हुई थी, और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत पर मोहर लगी थी। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब तक ऐसा कोई बयान तो सामने नहीं आया कि देश का सिर्फ एक नाम भारत किया जा सकता है, बल्कि आज तो खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक के दौरान मंत्रियों को हिदायत दी कि वो इस विवाद पर ना बोलें। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि फिलहाल किसी संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन के बिना इंडिया नाम को हटाना संभव नहीं है। तो जब सरकार की तरफ से इंडिया नाम हटाने की बात नहीं की जा रही है, तो फिर कहां से यह बात आई कि देश का सिर्फ एक नाम होगा। सवाल यह भी कि जब इंडिया नाम हटाने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं, तो सरकार के बड़े बड़े मंत्री, बीजेपी के तमाम नेता भारत नाम करने की वकालत करते हुए अचानक से क्यों नजर आने लगे। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. संविधान में है, India means Bharat. ये दोनों शब्द हैं। भाई आपको क्या इतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है, हिंदू नाम विदेशों ने दिए। तो रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा इंग्लिश भाषा, तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है, पर थकावट। देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए? विपक्षी पार्टियां और खास तौर से सेकुलर फोर्सेस देश के अंदर सब इकट्ठा हुए हैं इंडिया के नाम पे। अब उस इंडिया से इतना चिढ़ है इनको कि अब जो है भारत कहने लगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं चले जाते हैं, ये देश हम लोगों ने नहीं बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है,
तो आप देश के अस्मिता प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ मत करिए। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नाम भारती है। तो ये तो विष्णु पुराण कहता है, तो इससे किसी को आपत्ति हो सकती है? इस पार्टी की स्थापना एओ ह्यूम ने की हो, जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से जो संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे तो उन्हें आपत्ति होगी। इंडिया अलायंस से इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ करते 10 साल में तो इतनी परेशानी नहीं आती। मायावती जी का अगर ये आरोप है कि इंडिया नाम रख करके कोई ना करे, अपनी जगह उनका विचार है। एक हीरो का गाना में मुझे याद है, एक लाइन, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारतीय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।